हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला कैंडी बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 किलो आंवला लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अभी ये कुकर में पानी गर्म करेंगे, इसमें पूरी तरह आ जाए पानी में, एक उकाल आने तक इसको गर्म करेंगे। फिर इसमें आंवला डाल देंगे। सभी को बहुत पसंद है, बच्चे भी इसको अगर इस तरह कैंडी के रूप में देंगे तो खा लेंगे, और ये सर्दियों में मिलने वाला फल है। तो आइए शुरू करते हैं। पानी गर्म हो चुका है, इसमें सारी आंवला डाल देंगे। होने के बाद इनको कुकर से निकाल लिया है, इनका एक एक कली निकाल देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, इनको कुकर से निकाल लिया है, पानी इनका अलग कर दिया है। अब इनको ऐसे निकाल के इनके एक एक कली को खोल देंगे, इस तरह सारे साफ कर लेंगे। बीज निकाल के सबको इस तरह अब एक बड़े बर्तन में इसको डालेंगे। और इसमें मैंने मेजर कर लिया 1 किलो चीनी, इसमें 1 किलो आंवला है, इसमें 1 किलो चीनी डाल देंगे। किस तरह रखेंगे, फिर बीच बीच में इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। 3 दिन बाद ये पानी इस तरह इसमें ये सोख लेगा आंवला, और जो ऊपर पानी है उसको छान के अलग कर देंगे, और बाकी आंवला को सुखा देंगे धूप में। और ये जो है वो हम आंवला के शहद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूखने के बाद आंवला कैंडी इस तरह हो चुकी है, इसके जो रस है उसको अलग सिरप में के रूप में रख लेंगे, शहद के रूप में उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और ये अच्छी तरह सूखने के बाद इसको बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। इस तरह आप भी आंवला कैंडी घर में बना सकते हैं। मेरे वीडियोस अच्छे लगे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।